गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पार्ट तीन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारे सामने छह प्रश्न हैं। छह प्रश्न में चार प्रश्न के उत्तर हम बताएंगे, दो प्रश्न आप लोग सोच कर लिखिएगा। अगर ना समझ में आए तब फिर हम उसको बताएंगे। ऐसे उत्तर हम आज बताएंगे, लिखने की कोशिश आप खुद से कीजिएगा। पहले सबसे पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का। पहला प्रश्न है, अपने मित्र से आपसे अधिक दृढ़ संकल्पी और हमेशा हमारी बात मानने वाले, दोनों ही मित्र हमारे लिए बुरे क्यों सिद्ध होते हैं, विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न में देता है, हम लोग मित्रता के विषय में ही इस पाठ में पढ़े हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई करके हम लोग देखे हैं कि मित्रता में क्या गुण होते हैं, अच्छे मित्र में बुरे मित्र में क्या दोष होते हैं, फिर हमारा जीवन किस तरह से मित्र पर निर्भर हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे प्रश्न में कि अपने से अधिक दृढ़ संकल्पी और हमेशा हमारी बात मानने वाले दोनों ही मित्र हमारे लिए बुरे सिद्ध होते हैं। अब क्योंकि दोनों ही मित्र हमारे लिए बुरे सिद्ध होते हैं, क्योंकि जो मित्र हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी होते हैं हमें उनकी हर बात माननी पड़ती है, बिना विरोध के माननी पड़ती है, और जो हमारी बात को मानते हैं, मानकर हमेशा मानने वाले होते हैं, उस स्थिति में हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मित्र या तो हमारी बात मानने वाला हो या वो दृढ़ संकल्पी हो कि नहीं यही सही है, तो दोनों स्थिति में मित्र गलत होते हैं और बुरे सिद्ध होते हैं हमारे लिए। तो इस तरह से पहला प्रश्न का उत्तर हम लोग देखें। दूसरे प्रश्न में आते हैं, लेखक के अनुसार प्राय किसी व्यक्ति के किन बाहरी गुणों को देखकर हम आकृष्ट हो जाते हैं और मित्रता कर लेते हैं। हम लोग ये इसको भी पाठ में पढ़े हैं। तो लेखक कहते हैं, लेखक प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार प्राय किसी व्यक्ति के किन बाहरी गुणों को देखकर हम आकृष्ट हो जाते हैं और उनसे मित्रता कर लेते हैं। तो उत्तर में लेखक के अनुसार हम मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का विचार नहीं करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि मित्र बनाने में हम क्या करते हैं कि जल्दीबाजी करते हैं, उसके पूर्व के आचरण को हम देखते नहीं और स्वभाव आदि पर विचार ही नहीं करते हैं। हम उसके हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस देखकर उसे अपना मित्र बना लेते हैं और उसकी सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मित्र के बाहरी गुणों को देखकर ही हम आकृष्ट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, बाल्यावस्था की मित्रता और युवावस्था की मित्रता में क्या अंतर होता है। अब प्रश्न 3 में पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था की मित्रता और युवावस्था की मित्रता दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं बाल्यावस्था से ही, तो घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो हमें किसी न किसी पर निर्भर होना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मित्र बनाते हैं, चाहे खेलने जाए, पढ़ने जाए, कहीं भी हो, समाज में हो, तो हमारा मित्र बनता है। लेकिन बाल्यावस्था की मित्रता जो होती है वह बहुत गहराई से नहीं की जाती। उसमें बस हम लोग खेलने को जिस साथी के साथ खेलते हैं उसको भी अपना मित्र मान लेते हैं, या फिर जो हमारे साथ अच्छे से बातचीत कर लिया, कुछ दे ले दिया, उसको भी हम अपना मित्र मान लेते हैं। तो इसीलिए प्रश्न पूछा गया है कि बाल्यावस्था की मित्रता और युवावस्था की मित्रता में क्या अंतर होता है। तो बाल्यावस्था की मित्रता और युवावस्था की मित्रता में बहुत बातों में भिन्न होती है। युवावस्था की मित्रता बालक की मित्रता से अधिक दृढ़, युवावस्था की मित्रता जो होती है वो बाल्यावस्था की
सकती है, विवेचना कीजिए। तो नहीं, इसका हम लोग उत्तर देंगे कि मित्रता सदैव समान रुचि रखने वाले लोगों के बीच हो सकती है, यह कहना गलत है। इसके दो उदाहरण, दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में मित्रता रही है और इतिहास इसका गवाह है। इसके दो उदाहरण इतिहास में है, जैसे राम और लक्ष्मण की मित्रता। राम शांत स्वभाव के थे और लक्ष्मण उग्र स्वभाव के, परंतु दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। तो इस तरह से उदाहरण देकर हम इस प्रश्न का उत्तर बताए कि इसमें दोनों में मित्रता में फर्क हो जाता है। और मित्रता दोनों के स्वभाव में अंतर रहते हुए भी मित्र हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग चार प्रश्न का उत्तर देखे हैं। पांचवा प्रश्न का उत्तर भी हम बता रहे हैं, उसमें देखना लेखक के अनुसार कुसंगति का क्या प्रभाव पड़ता है। अब लेखक बहुत उदाहरण देकर बताए हैं कि मित्रता हमारे जीवन में कुसंगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। मित्र हमारे लिए एक औषधि के समान होता है, और अगर हम बुरे की संगति में रहें तो बुरा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना ही पड़ना है। तो इस तरह से लेखक के अनुसार कुसंगति का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हमारा मित्र अगर बुरा होगा तो हम उससे उसके अवगुण से बच नहीं पाएंगे और हमने भी उसके कुछ न कुछ अवगुण आ ही जाएंगे। तो इस तरह से कुसंगति हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। छठा प्रश्न में देखेंगे कि काजल की कोठरी में कैसे ही सयानो जाए, एक ली काजल की लागी है पे लागी है, इस कहावत की व्याख्या करनी है। अर्थात लेखक काजल की कोठरी का उदाहरण देकर बताना चाहते हैं कि काजल की कोठरी में कितने ही सयानो का मतलब यहाँ बुद्धिमान चले जाए, कितने भी बुद्धि वाले चले जाए, लेकिन एक ली एक लकीर का काजल का उनके ऊपर लगना ही लगना है। अर्थात यह उदाहरण बताया गया है ऐसे लोगों के लिए जो बुरे की संगति में पड़ जाते हैं, और अगर बुरे की संगति में पड़ जाए तो चाहे हम कितना भी अपना बचने की कोशिश करें, उसकी बुराई की छींका हमारे चरित्र पर पड़ना ही पड़ना है। तो इस तरह से रहीम ने भी उदाहरण देकर बताया था कि रहत वसत कुशल विचाहत कुशल कर रहीम जिए सोस। रहीम कहते हैं कि अगर कुसंगति में बसते हो, बुरे के साथ बसते हो और अपनी भलाई चाहते हो, तो इसके लिए रहीम को बहुत अफसोस है, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया था कि महिमा घटे समुद्र की रावण बसियों पर रोष। अर्थात उस समुद्र की महिमा घट गई, पुल बन गया उसका और राम उस पर लंका पहुंच गए, तो उसकी महिमा जो असंभव था समुद्र पर पुल बनाना, और उसकी महिमा घट गई। क्यों? क्योंकि उसके पड़ोस में रावण जैसा व्यभिचारी व्यक्ति रहता था। तो इस तरह से पुराने समय से भी यह उदाहरण देकर बार बार बताया जाता है कि अगर हम कुसंगति में रहते हैं और उसके बाद अपनी भलाई चाहते हैं तो इसके लिए रहीम को भी अफसोस है। तो हमें मित्रता बहुत ही सोच समझकर और बुद्धि से करनी चाहिए, उसके विषय में पहले से पता लगाकर तब हमें अपना उसे अपना मित्र बनाना चाहिए। तो इस तरह से लघु उत्तर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय पहले भी बता चुके थे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी बता दिए हैं। इसके बाद पठित गद्यांश में जो भी प्रश्न होते हैं वो चिन्ह लगाने वाले सही चार ऑप्शन रहता है, उसमें चिन्ह लगाने वाला तो यह आसान होता है, और पाठ के आधार पर उसका उत्तर देना होता है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति भी आसान होता है और उसको करने में परेशानी नहीं होती है, भाषा से काम हम पहले ही बना चुके हैं। तो इस तरह से हमारा यह पाठ मित्रता आज समाप्त हुआ। कल हम लोग अगले पाठ में अगले वर्ग में हम लोग व्याकरण से प्रश्न करेंगे, व्याकरण पर चर्चा करेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे। इसलिए आज पाठ तीन के साथ हम मई में इसको खत्म कर रहे हैं। चौथा आगे एक दो चैप्टर पहले व्याकरण का पढ़ा।
नहीं तो कोशिश जरूर करनी।